मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्री जयवीर सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव सभी दलों के दिलों में राज करते हैं। वो एकमात्र ऐसे नेता है जिनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभी दलों के नेता वहाँ पर पहुँचे हुए थे। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। बता दें कि आज नेताजी की श्रद्धांजलि है। वहीं जातीय जनगणना के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास में आजकल कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल जातीय जनगणना के सहारे राजनीतिक रूप से लोगों को बरगलाना चाहते हैं। साइकिल से चलकर साइकिल को सत्ता में लाए और पिछड़ों के अंदर चेतना जगाई कि किन परिस्थितियों का विरोध है और ऐसे लोगों को संवैधानिक अधिकार देने के ऐसे, इसीलिए उनको आपने देखा होगा कि उनके अंतिम संस्कार में किस तरीके से कोई ऐसा दल नहीं बचा होगा जिन्होंने कभी निष्ठा को सम्मान न दिया, उनके काम ऐसे थे। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि वो माननीय मुलायम सिंह थे। क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है? सरकार के खिलाफ इतने लंबे 9.5 साल के कार्यकाल के बावजूद कोई गंभीर आरोप नहीं है, इसलिए केवल और केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिन 9.5 साल के कार्यकाल में आदरणीय मोदी के द्वारा देश को आगे ले जाने के लिए गाँव गरीब हर वर्ग धर्म के व्यक्ति के को विकास की किरणें पहुंचाने के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं को पैदा पहुंचाने का काम किया है, इसलिए जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के जन जन में है और बीजेपी के तरीके लगातार लोगों का भरोसा मिल रहा है। आप देखेंगे कि 2024 का जब परिणाम आएगा भारतीय जनता पार्टी प्रचंड पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार